हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के बारे में, जो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। वेल, इन सभी वोकेबलरी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। वेल माय डियर दोस्तों, आज का हम लोग का फर्स्ट वोकेबलरी है डिल्यूजन। डिल्यूजन डिल्यूजन मीन क्या होता है? ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है भ्रम। भ्रम भ्रम होता है ना, माया, माया जाल, गलत फहमी जो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिल्यूजन। क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। और इसके सिनोनिम्स है जो आपके कॉम्पिटेटिव लेवल में भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, इसके सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, तो हो जाएगा मिसलीडिंग, मतलब किसी को गलत रास्ते पर ले जाना, मिसलीडिंग या मिसकंसेप्शन। नेक्स्ट वर्ड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन भी एक नाउन है, जिसका मतलब होता है मिलाना, पूरी तरह से समझना, किसी चीज़ को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना को बोलते हैं एसिमिलेशन। इसके सिनोनिम्स है, इसके पर्यायवाची शब्द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं एसिमिलेशन के जगह। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनएडल्ट्रेटेड, या एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पूरा। इसका सिनोनिम्स होते हैं कंप्लीट। इसका और एक मीनिंग होता है चापलूसी नहीं करना, किसी का चापलूसी करते हैं ना, उसको भी बोलते हैं अनएडल्ट्रेटेड। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वेल, हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्नेयर। स्नेयर यह भी एक नाउन है, जिसका मतलब होता है जाल या फंदा। इसका सिनोनिम्स होता है ट्रैप। ट्रैप कर लेते हैं किसी को, ट्रैप जाल में फंसा लेते हैं, तो जाल या फंदा को बोलते हैं स्नेयर। स्नेयर और ट्रैप का सिनोनिम्स होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? वेल, हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टोलिड। स्टोलिड एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है हठी। हठी होता है ना, कोई हट मतलब अपने जीत पर अड़ जाता है, उसको बोलते हैं हठी, तुम हठी हो, यू आर स्टोलिड। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्लो विटेड। स्लो विटेड इसके सिनोनिम्स होते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड के तो देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड यह भी एक एडजेक्टिव है। अनब्राइडल्ड मीन क्या होता है? अनियंत्रित, किसी के वश में न आना, मतलब कोई चीज़ जो अनियंत्रित हो गया, मतलब अनकंट्रोल्ड हो गया, वो कंट्रोल्ड में नहीं है। इसके सिनोनिम्स हो जाएगा अनकंट्रोल्ड या अनरेस्ट्रेंड। अनरेस्ट्रेंड ये इनके सिनोनिम्स है, ठीक है, ये दोनों इनके सिनोनिम्स है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसके सिनोनिम्स, अनब्राइडल्ड के, अनकंट्रोल्ड और अनरेस्ट्रेंड। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लाइव कोडिंग। लाइव कोडिंग, लाइव कोडिंग एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है? धीरे धीरे जीवन समाप्त करना, धीरे धीरे अपना जीवन क्या करना, समाप्त करना, उसको बोलते हैं लाइफ कोडिंग। और इसका मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग लाइफ ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर लेना, तबाह कर लेना, बर्बाद कर लेना। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। वेल, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टाउट। ये टाउट पढ़ाने वाला नहीं है, ये एक नाउन है, जिसका मतलब होता है दलाल। क्या होता है? दलाल या ग्राहक। ये एक वर्ब भी है और नाउन भी है, यहाँ पर इसको वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब की तरह भी आप टाउट का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है दलाली करना या ग्राहक खोजना, इसको बोलते हैं टाउट। वर्ब और नाउन दोनों है ये वर्ड। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? मोरल फाइबर। मोरल फाइबर ये भी एक क्या है? एक नाउन है। मोरल मतलब क्या होता है? मोरल ऑफ द स्टोरी सुने होंगे ना, मतलब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी। यह मोरल फाइबर मतलब क्या होता है? मोरल फाइबर एक नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है? चरित्र। क्या होता है? चरित्र। क्या होता है? उसके सिनोनिम्स होते हैं कैरेक्टर। क्या होता है? कैरेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो मतलब मोरल फाइबर, योर मोरल फाइबर इज नॉट गुड। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज का लास्ट वर्ड हमारा क्या है? वॉइस। वॉइस इसका मतलब एक वॉइस प्रेसिडेंट वो होता है, उप मतलब इसका मतलब उप भी होता है, वॉइस मतलब इस वॉइस का मतलब नाउन का मतलब होता है, ये वो भी नाउन होता है, इसका मतलब होता है पाप, दुष्कर्म, मतलब दुष्कर्म होता है ना, मतलब जो बुराई करना, कोई गलत काम करना, इसको बोलते हैं पाप। और इसके सिनोनिम्स है इविल हो जाता है, सीन हो जाएगा, विग्डनेस हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम्स है। वेल फ्रेंड्स, ये था आज का इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, जो आपके एग्जाम में या आपके डेली लाइफ में आप इसका यूज कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको किसी वर्ड का मीनिंग चाहिए और उसको सेंटेंस में सेट करने के लिए चाहिए, तो प्लीज राइट द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।